नहीं कि साइड ना जाए अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो ये जुमे का दिन था और हल्दी का प्रोग्राम था। इस दिन हम तो घर से रेडी होकर आ गए थे जल्दी से चची के साथ काम करवाने। बच्चे लोग भी आ गए थे, किट्टू सानू दोनों फ्रेश होकर आ गए थे। सानू भी रेडी होकर आ गया है नमाज के जाने के लिए। अम्मी अम्मी अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे, खुश होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो बस तैयारी होने लगी हमारी और हम आ जा रहे हैं अभी बारात में जाएंगे। और हमारी बहनें बताएंगी कैसी लग रही हूँ मैं। तीन चार दिन हो गए बहुत बिजी थे, हमारे बहन भाइयों के वीडियो पर भी नहीं आई हूँ। तो अभी एक दो दिन और लगेंगे मुझे, कल का दिन और लगेगा, उसके बाद फिर हम फ्री हैं। तो हम बराबर से सबकी तरफ आएंगे और जैसा भी होगा आगे का हो सकेगा, जैसा शेयर करने का होगा तो जरूर करेंगे। और ये दूसरा दिन है, बारात वाला दिन है। तो हम बारात में जा रहे हैं, मतलब गाड़ी में बैठे हैं और जा रहे हैं। और ये लोकल का ही शादी था हमारे देवर का, बस एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले को जाना था, ये 10 मिनट का ही रास्ता था। हो गए थे और इतना गर्मी था, हालांकि सुबह ठंड हो रही है लेकिन दोपहर में इतना गर्मी, बहुत परेशान थे। तो कोई ख्याल ही नहीं आया किसी तरह से कि भाई हम कोई वीडियो बनाएं। तो फिर ये अगले दिन का है, संडे के दिन का है, जो कि दावत थी, बलीमा भी था और हमारी नंद की विदाई भी थी। ये खाना चल रहा है माशाल्लाह से, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, खैरियत से हो गया सब, खुदा के करम से। ये देखिए रेड दुपट्टे में हमारी नंद है और वो देवरानी है, आसमानी दुपट्टा है जो। और ये जमाई है हमारे और हमारी चच्ची हैं, वो बैठी हैं दोनों, छोटी चच्ची बड़ी चच्ची। ये देखिए हमारे देवर भी आ गए, अल्लाह करम से बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा पूरा। हमारे 4-5 दिन इतने अच्छे बिजी निकल गए कि हमें पता ही नहीं चला। काफ़ी लोगों से मुलाकात भी हुई, नए लोगों से भी हम मिले।
कौन वो नीली ड्रेस जाने ये देखिए हमारी नंद का ये विदाई टाइम था। विदाई हो गई, काफ़ी मेहमान चले गए और लोकल के लोग तो चले ही गए थे। अब ये टोटल घर के ही लोग थे, चच्चियों के मायके वाले थे और हमारी ससुराल तरफ के काफ़ी लोग थे। बच्चे भी यहाँ बैठे हैं और हमारे सानू को तो बुखार आ गया था, उसने तो कुछ एंजॉय नहीं किया, बस एक जगह बैठा रह रहा था। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप लोग वीडियो देखें और एंजॉय करें। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।